कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली और प्रॉपर एक्सेंट के साथ में, तो किस तरह से बोल सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे आज यहाँ पर। आप जो भी पूछेंगे इनसे वो इंग्लिश में पूछेंगे, हिंदी में नहीं पूछेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सो नर्वस राइट नाउ एंड आई एम टू यार। इट्स ऑल राइट। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। लाइक इवन यू डोंट नो योरसेल्फ दैट यू हैज चेंज। मतलब ये मेरा यही क्वेश्चन है, ऐसे फ्लुएंटली बोलते हुए। आप किसी भी भाषा में बोलो, मैं समझ गया आपके दिल में क्या है। इंस्पिरेशन एक्चुअली। एंड मैम माई क्वेश्चन इज दिस, लाइक हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ रिजेक्शन वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। लाइक अभी मेरे साथ जो हो रहा है। देयर इज नो रिजेक्शन, इट्स इन योर हेड। डिड एनी बडी रिजेक्ट हर राइट नाउ? नो बडी इज रिजेक्टिंग, इट्स ओनली इन योर हेड। वाई वुड समबडी रिजेक्ट यू? इंग्लिश इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ लैंग्वेज। भाषा ही तो है, भाषा की तरह बोलो, जैसे हिंदी बोलते हो अंग्रेजी बोलो। क्या ये आपकी नेटिव लैंग्वेज है? नहीं। आर यू सपोज टू बी परफेक्ट एट इट? नो, यू आर नॉट सपोज टू बी। यू कैन मेक मिस्टेक्स, इवन आई मेक मिस्टेक्स। लाइक इवन क्या, मैं कोई वो कोई मैं भगवान नहीं हूँ इस लैंग्वेज की। व्हाट आई वांट टू से इज दैट दो आई पीपल रिकॉग्नाइज मी फॉर दिस लैंग्वेज, आई मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश। इट्स ऑल राइट, नो बडी इज रिजेक्टिंग यू। सेकेंड, If you really want to improve yourself, you have to keep facing the discomfort that you just faced when you, you know, raised your hand and you said, I want to speak on the mic. It takes a lot of guts because you're on the cameras. It's not just these people watching you. There are millions of people are going to watch you after this day, right? It took guts. And those are the guts that are going to make you reach there, where you're going to be super fluent with your English. Getting my point? Yes, that's ma'am. The thing. This is it. कोई वो नहीं है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस होती है और अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करना होता है। शुरुआत में मुझे भी महसूस होता था क्योंकि मैं एक काफ़ी एवरेज स्कूल से अचानक से एक बहुत अच्छे स्कूल में पटक दी गई थी और मेरे आसपास सब बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और मेरा मजाक बहुत बड़ा उड़ाया। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस बात में, उसके बारे में सोच के। टीचर्स तक मजाक उड़ाते थे, अरे ये कहाँ से आ गई है वैसा वाला। आई थिंक इट्स रॉन्ग, डोंट डू दिस टू अदर्स। और दूसरी बात ये, अपने ऊपर हंस लोगे ना तो किसी और का हंसना तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। गलती करो, खुद पे ही हंस लो।